रामपिलन भाई साला इतना कस कस के पीट रहा था, कहीं गिरिल टूट जाता। साला पीट पीट के पूरा पेंटो उड़ा दिया। तो ग्रिल तो पहले ही से जरखंडी है। जितना बोलेगा तू है मार के गार लाल कर देंगे। चल तुम क्या बैठ, आराम से बैठना, कुर्सी नया है, अगर टूट गया तो जुर्माना ले लेंगे हम। दुर्गुण ऐसे अच्छा भुइया में बैठ जाते। अरे अरे ऊपर बैठ, लेकिन आराम से बैठ। हाँ बोल, की काम है? तू अपन बेटा को समझाता बुझाता नहीं है, हमारे बेटा को कूट दिया। अरे खुले सर भाई, तो खानदानी परंपरा है, पहले हम तोरा मारते थे, आज हमारा बेटा तोरा बेटा को मारता है। एक बात याद है, जब तुमको हम सरकारी स्कूल के पिछला गेट पर ले जाके इतना मारे थे, इतना मारे थे, इतना मारे थे कि पैंटे में आ गया था। ए अमित इधर आ। कथी कहे लेकर बेटा को कूट दिया है रे? आप चा, आप जो मुंह उठाकर हमारा यहाँ शिकायत करने चले आए हैं, आप अपने बेटा से एक बार पूछे हैं कि क्या गलती किया है? क्या किया है? कल ओकरा हम मैच नहीं खिलाए, तो आज भोरे भोरे जाकर क्रीचे पर हक दिया। एलएल दूझापट मारे हैं। दूझापट मारा है? दूझापट मारे तू? रे बेटा रे, तनी अंदर आता, दिखाओ तो ही बोला है कि दूझापट मारे हैं। देखिए रामपालन, देखिए मार के मुंह फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, अब बोला है कि दूझापट मारे हैं। हाँ गणेश। क्या अगुआ आ रहा है? अगुआ रहा है, ठीक है हम आ रहा है। अरे गणेश आके अगुआ रहा है, चल चल चल, आई मिठाइयों का एक मिलते, बहुत दिन खड़ा हो गई। अरे तू तो हाथा माथा फुटल था ना रे? अरे इधर तो मार के आवे का बहाना रह लेगा साला। चल कोनो दिन सच्चे में फोड़ देबो, हम थोड़ी छोड़ देबो। ठीक है रामपालन भाई, तो चलते हैं। साला ई दोनों के चक्कर में हम सब फटफट के मर जाएंगे। साला कौन नक्षत्र में पैदा हुआ था? क्या चाचा आजकल बड़ा खुश दिख रहे हैं, कोई राज के बात है कि? तनका हमरो भी बताइए। अरे बेटा खुशी की ही तो बात है, इस बार गेहूँ और सरसों बहुत अच्छा हुआ है और बहुत मुनाफा भी हुआ है। क्या बात है चाचा, ऐसा क्या किए हैं, तनका हमरो बताइए। अरे बेटा हम भारत एग्री ऐप इंस्टॉल किए, उसमें जैसे जैसे बताया हम वैसे वैसे किए। भारत एग्री ऐप का है? देख बेटा भारत एग्री एप्लीकेशन में इसमें सारे समस्याओं का इलाज है और इसमें सारे फसलों के बारे में दिया हुआ है कि कब कटाई करना है और कब बुआई करना है सब कुछ, और इसमें वीडियो कॉल से कृषि डॉक्टर से बातचीत कर सकता है। अरे वाह, इससे कृषि आय में वृद्धि, कीट और रोग प्रबंधन, कृषि लागत में बचत, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ समझ में न आए तो इस पर एक्सपर्ट से कॉल पर बात भी कर सकता है। इसमें कृषि दुकान भी है जिसमें बीज और दवा ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकता है। अरे वाह चाचा, ये तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, हम अभी इंस्टॉल करते हैं। हाँ तो किसान भाइयों, आप लोग भी जाइए भारत एग्री एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत एग्री ऐप के साथ तरक्की है पक्की। अरे गणेशवा के ब्याह होगा, बराती जाएंगे, दारू पियेंगे, बड़ा मजा आएगा, उनका साड़ी सब होगी, पटाएंगे, अरे बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा, मिठाई मिलेगा, समोसा मिलेगा, पुलाव खिलाएगा। साला खाली तो खाई पर ध्यान देता है, पेटला कहीं के। हाँ साला तो ये तो खाली छोड़िया पर ध्यान आता है, छिनार साला। तू सर यहाँ है, तोरे खुद ने जा रहे थे, चलो बैठ ना, अगुआ सब आ गया होगा, नाश्ता पानी कराना होगा। चल हम ना लेट करत रहियो, ये छोड़ा लेट करत रहो, छोड़ सके सपना में डूबल रहो। अरे मटका चल बैठ के, क्या मटका ठीक से बैठिए। रे सब में दूध रसगुल्ला रख देना, एको आइटम घटा नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं तैयार होने। ठीक है तू टेंशन ना ले। अरे ले मिठाई, असम में दूध को मिठाई रख। मुंह काटे देगा दे, तू ये को खा ले साला, पेट ला के बर्दाश्त ना होई छौ। चल दाल बुट रखा, चल देख सुधर के सुधरे रह गेले साले। अयो ना चाट ली, चल उठो। अरे अमे से एगो मिठाई कैसे कम हो गए रे? ए रे बोल, कहीं नहीं रहा है।
मुंह में मिठाई है तो कैसे बोलियो? साला पिटला, तोरा खाली खाई पर ध्यान दे छ। चल ये वाला प्लेट लड़की के भाई के दे दिया है। चल लीजिए ना। हमारा में तो एक को मिठाई है। अरे आप लोग गलत नहीं समझिएगा, इनको एगो मिठाई इसीलिए कम दिए हैं कि बच्चा है, नहीं खा पाएंगे, फेंक देंगे तो अन का बर्बादी होगा, और अन का बर्बादी नहीं करना चाहिए। बब्बा खा लेना तो ना मिलते। रे हम बेटा के भरवा दो, तनी जाओ जल्दी गणेश के बुला कर लाओ। जी बुला के लाते हैं। संजय साहब खाओ ना। संजय साहब अहू खाओ ना। अरे नाना हम चीनी की बीमारी है, हम खाएं तो हम चीनी बढ़ जाए, अहाँ खाओ। आज भर खा लियो, एक दिन खाए से की हो जाते, खा लियो। अरे ना 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 ना, हमर तो अपन घर है, आहा खाओ ना। सबे साहब खा लियो ना, खाओ। अच्छा इतना कहै छी तो खाओ खाओ, अहो खाओ। सब मिठाई यही खा रहे थे, बाप के लौरा खाओ। की कहै छी हम क्या? आ कुछ ना करे सबे साहब, खाई छी खाई छी। खाओ प्रणाम। आ खुश रहो। हम छोटे हैं। अच्छा साला लगते हैं आप। हाँ आप भी साला हैं ना? हम एक दोस्त हैं। ओहो देख रहा है कि ना गांठ चियार का बैठा है, पूरा ग्रुप डी वाला पावर दिखा रहा है साला। असंदी साहब जी, लड़का यहाँ के सामने हवा जे पूछे कहवा, आप बेधक पूछू, बेधक पूछ ली। जी जरूर पूछाई छी। बउआ आपका नाम क्या हुआ? गणेश कुमार। अच्छा अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करते हैं। अच्छा गो साफ करते हैं? टिकट काटते हैं? ना हमारे को दोस्त है रेलवे में, वो गो साफ करता है। रे चुप, गुहो साफ करे चाहे, लेकिन सरकारी नौकरी तो है ना रे। बउआ अब हो गया, अब जाइए। जी प्रणाम। आ खुश रहो। अरे रुक ना, सार से कुछ पूछते हैं। ओ सार भाई, सार भाई हमको कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा बाहर आइए ना। देखिए सांड जी, आप अपना बहनी से काम कम करवाइएगा, काहे कि वो अब हमर होने वाली है। आपके कैसे हुई? अरे सांड जी, गणेश हमार दोस्त है, ओकर बीबी हमार भौजी, अब भौजी माधा होता है ना। अच्छा वो सब बात छोड़िए, कोई छोटकी बहन उहिन है? नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। अरे अचेरी चचेरी ममेरी फुफेरी? ना नहीं है। अरे गाँव में ना है? ना नहीं। जिला में? नहीं है ना। पापा बुला रहे हैं। ओह गड़बड़ हो गया साला, बराती में मने नहीं लगेगा, एक को सालिए उलिए नहीं है। अरे होगा, झूठ बोला है सरवा। सही बोलता है, छिनहार आदमी सब। रे बरियाती में लड़का के दोस्त पर ध्यान रखना था, साला से बहुत बड़का छिनहार आदमी सब है। क्या हुआ? अरे बाहर ले आके जैसे पूछ रहा था। अरे ऐसे कैसे हो समझे साहब? अरे ऐसे ना हो, 5 लाख और बढ़ा दियो, 10 लाख कर दियो, एगो अल्टो कर दियो, तब भी रिश्ता करम ना तो ना करम, कला की सरकारी नौकरी वाला बात है। असंदे साहब बहुत गरीब आदमी होती है, कहाँ से लेबे इतना पैसा? अरे अहाँ के दमाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला, पैसा निकलबे ना करैया। अरे 10 लाख प्लस एगो अल्टो देबे तब भी रिश्ता करम ना तो ना करम, कला की सरकारी नौकरी वाला बात है। अरे असंदे साहब अहाँ ऐसे ना बोलू, अहाँ के हम देम 10 लाख रुपया एगो अल्टो, अहाँ रिश्ता पक्का समझू। अरे असंदे साहब ई भेल ना मर्द वाला बात। अरे असंदे साहब, अरे पास गलती हो गई, चोट ना लागा? तनका लाग। अच्छा लगे हड्डी अभियो कमजोर है, हिलाब ला ला छिए की? असंदे साहब हम बड़ा मजाक ही हाथ में आती है। असंदे साहब हाँ, अब हम चलाई छी, हम राते लेके आवे के तैयारी करू। अरे जी जी जी, प्रणाम। खाली तनी 10 लाख तनी जल्दी भिजवा देबे। जी जी, अहाँ चिंता ना करू। अल्टो तनी नजदीकी शोरूम से तनी करवा देबे। जी जी जी, अहाँ फिकर रहू, सर्विसिंग कराबे में तनी खर्चा उर्चा कम लगते, तेल तनी कम लगते। प्रणाम प्रणाम, समझे साहब प्रणाम प्रणाम। तो ध्यान देंगे ना, विपक्ष वाले बारात दरवाजे पे आ चुके हैं, तो फूल और माला लेके आगे बढ़े और गर्व का स्वागत करें। अच्छा चल स्वागत करो, चल प्रणाम। समझे साहब खुश रहो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बच्चा सब अवैया नचैत गवै, चलू अपने सबके तले बैठे छी। हाँ चल चल चलू। आ बेटा शंभू, आ तने जा प्राणी सबके ठीक से लिया।
समधीनी किधर दिखाई न दे छन अंदर होता है काम धंधा करत होता है अच्छा 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 बैठ बैठ प्रणाम प्रणाम ओ बंद कीजिए बड़ा बंद कीजिए बहुत हो गया हाँ चलिए जी अजी अभी कहीं नहीं जाएगा दूल्हा पहले अभी यहाँ नाच होगा अच्छा बजाइए बजाइए अरे बउआ सब लेट हो रहा है नाच गाना जल्दी जल्दी खत्म कर आगे बढ़ हो गया यहाँ जा जा अपना अपना घरे जा चल दस अब स्टेज पर चल जा जा आइए आइए बैठिए बैठिए आप लोगों के लिए नीचे व्यवस्था किया गया है जाके नीचे बैठिए हम सब दूल्हा के दोस्त हैं दूल्हा के दोस्त हैं दूल्हा थोड़ी ना जाके नीचे बैठिए ए सर अभी अपन दोस्त को बोलेंगे तो अभी हमको स्टेज पर बुलाएगा ए दोस्त देख सरवा हम ऊपर ना आवे दे छौ की हो गया दोस्त नीचे बैठ जाओ ना काहेला झगड़ा कर रहा है अरे साला के स्टेज पर चढ़ते मात्र इसका बोली बदल गया अच्छा साले जयमाला के कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले एक आवश्यक सूचना कि बराती घर में नाश्ता बांट दिया जाए क्योंकि नाश्ता सुबह का बना हुआ है अगर ज्यादा देर रहने से वो अड़वा सकता है ओ नाश्ता वाले भैया जब नाश्ता इधर लाइए अरे सलाखी हमरा में देखो मिठाई कम है ए सर हमरा में देखो मिठाई कम है देखिए हम आपको मिठाई कम इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लड़का के दोस्त हैं पिए हैं पेट तो भरल होगा मिठाई तो फेंक देते हैं हैं तो उनको बर्बाद होता और उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए सांड कहीं के अन बर्बाद हो रहा है दोस्त देख हमरा प्लेट में एगो मिठाई कम है हम नहीं खाएंगे अरे अमित चुपचाप खा लो ना ऐसे ना हल्ला करने लगा कि बाप जिंदगी में कभी मिठाई खाए नहीं किया है साला समी साहब स्वागत में कोई कमी तो नहीं भेल अरे ना ना समी साहब बहुत अच्छा स्वागत कर लिया हमरा बहुत अच्छा लगा समी साहब समझिनी अभी तक नजर ना आयलन कहाँ घुसबैले हटन अब मतलब कि कहाँ घुसल हटन अंदर है कहीं बिजी होता है अरे समझी साहब आहा तो हिया हाथी आई अंदर के करा साथे समझिनी बिजी हटन आओ ना समी साहब बड़ा मजा की आदमी हाथी आई मिठाई हो तो मंगवाओ ना एक आवश्यक सूचना सभी बरियाती कर रे मालक हेलो 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 माइक टेस्टिंग हाँ तो सभी बरियाती गांव से नव निवेदन है कि खाना खा ले क्योंकि खाना दिल का बना हुआ है और आने का संभावना ज्यादा है दोस्त चला खाइयो लेते हैं हर चला इतना जल्दी रे रे साला चल ना तो ओ बच्चल को चला डुआ जाएगा चल तो चल चल डालिए ना पैंट खोलिएगा तब ना डालेंगे सब्जी डालने के लिए बोले हाँ भाई साहब मिठाई डालिए ऊपर से ऑर्डर है दूल्हा के दोस्त सबको मिठाई नहीं देना है कौन ऑर्डर दिया है हम ऑर्डर दिए हैं ठीक है अपने बहन को मिठाई खिला दीजिएगा चलो चल हमको लगता है कि सभी बराती गण खाना खा चुके हैं अरे नहीं कुछ दूल्हा के भरवा दोस्तों अभी खाना ठूस रहा हाँ हाँ तो लड़की पक्ष वाले से अनुरोध है कि बिना विलंब किए हुए दुल्हन को स्टेज पर लाया जाए दोस्त इतना हड़बड़ाना नहीं है चढ़ने का मौका मिलेगा समय पर जो कहो गणेशवा को अच्छा मौकी मिल गई भाई सरकारी नौकरी वाला के बातें अलग है गणेशवा तो कल रात में हिलाइए देगा हाँ कोई बात नहीं है हमहू एगो माल पर आकर रख ले हैं दिल्ली में रहती है डॉक्टरी की तैयारी करती है अरे गणेशवा की मौकी तो दिल्ली में रहती थी और डॉक्टरी के पढ़ाई करती थी पर हमर वाली के बातें कुछ अलग है हमारा अलावा के कोई पर ध्यान ही नहीं देती है
अरे वहां छोड़ के कावरे। अरे तो हमर गर्लफ्रेंड है दिल्ली वाली। अरे गणेश भाई ब्याह नहीं होगा रे, ये हमर गर्लफ्रेंड है रे। तुम काहे नहीं बोल रही है कि तू हमसे प्यार करती है, हमने से शादी करना चाहती है? हम तो गणेश से ब्याह करना चाहेंगे, काहे कि गणेश सरकारी नौकरी वाले हैं। आई लव यू गणेश। आई लव यू टू। रे सला रे रे दोस्त के माल को आई लव यू बोलता है रे। रे सला तेरा पाप लगेगा रे। ए सर जी मुंह क्या देख रहे हैं, उठा के फेंकिए बाहर सबको। लगता है कि तुला के दोस्त मिल गया है, बाहर ले जाइए और इज्जत से चप्पल सुनाइए। रे सला तुमको बाहर फेंकवाएगा रे। रे सला तू दोस्त के नाम पर कलंक है रे। रे सला तेरा फुल पिलवा भरेगा रे। तू नरक में जाएगा। बिना विलंब करते हुए जमाना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा है।